हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो गुलाब के बारे में है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपके यहाँ गर्मियों में गुलाब खिलते हैं या नहीं खिलते हैं, और गर्मियों में गुलाब होते ही नहीं हैं। तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि ये कोई अजूबा नहीं है, और ये गर्मी का मौसम है, और ये अभी तुरंत की जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए, ये गुलाबों में फूल सिर्फ फूल ही हैं, और मैं निशब्द हूँ क्योंकि यहाँ पे इतने सारे गुलाब हैं। और सभी में आप देखिए बेहतरीन फ्लावर खिले हुए हैं फॉर्मेशन के साथ, और यहाँ आप देखिए भरे हुए हैं फ्लावर्स, पत्तियाँ देखिए आप, नए सूट्स। और ऐसा नहीं है कि मैं किसी शिमला या मनाली या किसी ऐसे कोल्ड जगह पे हूँ, और मैं गोरखपुर में हूँ। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे गुलाबों की भरमार है, और एक बार मैं आपको और भी अच्छे से दिखाऊं। यहाँ देखिए, कारण कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये मैं आपको अभी बताऊँगा, लेकिन इसके पहले आप पहले फ्लावर को एंजॉय करिए। देखिए यहाँ पे वैरायटीज़ के साथ कि फ्लावर आप देखिए, यहाँ पे इस पौधे की ग्रोथ देखिए, हेल्थ देखिए। और मैं आपको बता दूँ कि ये सभी पौधे अभी जितने भी हैं ये सभी सिंडर में हैं, पे आप देख पा रहे होंगे ये बहुत सारे फ्लावर्स। और यहाँ पे एक मेरे नाम का गुलाब भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो अभी जो टेम्परेचर हमारे यहाँ चल रहा है वो 35 से लेके 40-42 तक है, क्योंकि बारिशें अभी स्टार्ट हो गई हैं। लेकिन ये पौधा यूँ एक दिन का नहीं है, एक दिन में ये इतनी ग्रोथ नहीं लिया है। ये पौधे को ग्रोथ होने में और फ्लावर देने में पूरे टाइम लगते हैं। तो गर्मियों में कैसे हम अपने पौधों को इतना मेंटेन करें, इतने अच्छे ब्लूमिंग लें, इसका सिर्फ और सिर्फ मैंने एक या दो प्रोसेस बताया था। पहला तो आपके मीडिया की ऊपर बात मैंने की थी कि मीडिया आपका वेल ड्रेन होना चाहिए, जैसे कि ये मीडिया जो है सिंडर है। दूसरी चीज़ है कि इसमें फर्टिलाइज़र, जो मैंने ऑल इन वन फर्टिलाइज़र के बारे में बताया था, बेस फोलियर, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा होगा बेस फोलियर का, कॉम्पो एक्सपर्ट का, NPK 13-40-13 और 19-19-19 के बारे में मैंने बताया था, बकायदा वीडियो भी डाली थी। बहुत सारे लोगों ने कहा आप तो प्रमोशन कर रहे हैं फर्टिलाइज़र का, लेकिन ये उसी का रिज़ल्ट है कि इतनी गर्मी में और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में भी इतने सारे फ्लावर्स आपको खिले हुए मिल रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग कहेंगे फ़्लावर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप सिर्फ ब्यूटी से बिलोंग करते हैं कि आपको एक सुंदरता चाहिए, आपको खूबसूरती देखनी है, तो आप इन पौधों को देखिए। और अभी जो मैं है, मैं अपने नर्सरी में आया हूं, और यहां पे जो भी रोजेज ये चल रहे हैं ये मेरे अंडर गाइडेंस में हैं, और सिंडर में गुलाब लगाए गए हैं। और आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज़ भी है, जल्दी ही रिवील होगा। जो व्यूवर्स हैं उनके लिए सरप्राइज़ कुछ है कि गुलाबों से रिलेटेड सरप्राइज़ है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूंगा। मैं आपको एक बार और थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखाता रहूं कि यहाँ पे आप गुलाब देख पा रहे हैं, ये देखिए, तो यहाँ पे फ्रेग्रेंट प्लम है, यहाँ पे एवलांस भी है, बहुत से ऐसे रोजेज हैं। यहाँ आप देखिए इन रोजेस को देखिए,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पिंक इंट्यूशन भी है और भी बहुत सारे रोज़ेज हैं। तो ये सारे रोज़ आप देख रहे हैं कि फुल ब्लूम पे हैं और बड इसलिए नहीं काटी गई, यहाँ देख रहे होंगे कि इनकी ग्राफ्टिंग कराई जा सके। और मैं आप लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे आपको दिखाएं जो आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है वो ये है कि यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इतने सारे, यहाँ पे आप देख रहे हैं इतने सारे और वहाँ कुछ हैं, कुछ उधर बैक साइड में हैं। तो ये इतने रूट स्टॉक हैं, लगभग 6,000-7,000 के करीब हैं ये रूट स्टॉक। ये रोज़ ग्राफ्टिंग के लिए ही सिर्फ हैं। इसमें मेरे भी गार्डन के कुछ रूट स्टॉक आए बड़ाइज आएंगे और कुछ यहाँ के गार्डन से, यहाँ के जो रोज़ेज़ हैं यहाँ से लिए जाएंगे ताकि ग्राफ्टिंग जो है हो सके। और जो वैरायटी आप लोगों को चाहिए वो यहाँ पे आने वाले कमिंग सितंबर अक्टूबर के बाद से मिलने स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें कुछ रेयर वैरायटीज़ भी हैं जो कि आमतौर पे मार्केट में नहीं मिल पाती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें करेक्ट आईडी ही आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें अंडर गाइडेंस में है मेरे, तो इसीलिए आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी है कि अभी तक जिन लोगों को अच्छे रोज़ेज़ नहीं मिल पाते थे या जिनको बेहतरीन प्लांट्स नहीं मिल पाते थे, गुलाब की किस्में नहीं मिल पाती थी, उनके लिए यहाँ पे तैयारी की जा रही है। और ये सिर्फ इस साल की नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं जो कि बैक साइड में हो रही हैं। वहाँ पे भी लगभग 10,000 प्लांट्स का भी एक जगह बनाया जा रहा है जो कि नेक्स्ट ईयर आपको प्लांट्स मिलेंगे। इस साल सिर्फ 6,000-7,000 का ही रूट स्टॉक अवेलेबल हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें हैं आप लोगों को, रूट स्टॉक आप सब देख रहे होंगे कि बाकायदा रूट स्टॉक 1 बेड 2 बेड 3 उधर उतने ही हैं, उसके बाद वहाँ पीछे साइड में थोड़ी सी जगह वहाँ रखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका सारा जो है रूट स्टॉक अरेंज किया जा रहा है। फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत सारी वैरायटीज़ आपको नहीं मिल पाती हैं मार्केट में, तो वो सारी यहाँ पे मिलेंगी आने वाले सीज़न से। तो इसमें बहुत सारी वैरायटीज़ ऐसी हैं, जैसे कि मेरे नाम का गुलाब वहाँ पे आपको बैक साइड में दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाऊँ, यहाँ बैक साइड में दिख रहा होगा मेरे नाम वाला गुलाब जो है बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पा रहा है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं खुद से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले करके मैं तैयार करा रहा हूँ। तो आप लोग भी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए ताकि मैं जो भी अपडेट डालूँ इन सभी से रिलेटेड वो आप लोगों को मिलती रहे। और सबसे बड़ी बात थी जो फर्टिलाइज़र के बारे में मैं लोगों को बताता रहता हूँ तो लोग कहते हैं कि अरे सर प्रमोशन है, ये है वो है, तो कम से कम उन लोगों के लिए भी है कि एक जवाब है कि ये सारा चीज़ देखते रहें, फ्लावर कैसे खिल रहा है, इतनी हॉट गर्मी जो है, इतना जो ज़्यादा समर है, टेम्परेचर इतना हाई है, फिर भी गुलाब खिल रहे हैं, तो उसका कुछ कारण ज़रूर होगा। वास्तविकता से आपको रूबरू करा रहे हैं और यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि गुलाब बहुत पॉली हाउस में रखा हुआ है या ऐसा कुछ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि पूरा ओपन है, तो यहाँ कुछ ऐसी चीज़ नहीं है, धूप भी लगता है। सिर्फ फर्टिलाइज़र, मेंटेनेंस, समय से दवाई, यही 3-4 चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो बेसिक, बिल्कुल बेसिक होता है जो हर कोई कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे गुलाब हैं, लगभग 200-300 गुलाब इसमें हैं, एडजस्ट किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आने वाले वीडियो के अपडेट के लिए कम से कम चैनल से आप लोग जुड़ जाइए। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक से इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।